नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन में सबसे पहले बात इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग से जुड़ी। इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय। इजराइल में फंसे 212 लोगों को वतन वापसी। भारतीयों को लेकर विमान पहुंचा है दिल्ली। स्पेशल विमान से दिल्ली भारतीय आ रहे हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जो इजराइल में भारतीय लोग फंसे हुए थे उन्हें लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है और पहला विमान दिल्ली पहुंच चुका है। 212 लोगों की वतन वापसी आज हुई है। विशेष विमान से दिल्ली लेकर आया गया है इन लोगों को। तो लगातार देखिए जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। कई जो भारतीय हैं अभी भी इजराइल में फंसे हुए हैं उन्हें वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन अजय चलाया गया। करीब 15,000 से 20,000 जो भारतीय हैं वहां पर फंसे हुए हैं, जिनमें से 212 लोगों को पहली पारी में भारत वापस लाया गया है। जो विमान है स्पेशल वो दिल्ली पहुंच चुका है 212 लोगों को लेकर, और लगातार ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहेगा। जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि जो भारतीय वापस अपने देश आना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाएगा, और इसीलिए ये विशेष ऑपरेशन ऑपरेशन अजय इसकी शुरुआत की गई। पहला विमान आया है 212 लोगों को लेकर, वतन वापसी इन लोगों की हुई है और दिल्ली ये विमान पहुंच चुका है। स्पेशल विमान से 212 भारतीयों को वापस लाया गया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त इसराइल में बना हुआ है, जो लोग थे वहाँ डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उस बीच जब वतन वापसी की है इन लोगों ने तो खुशी साफ तौर पर चेहरे पर देखी जा सकती है। ये देखिए किस तरीके से विशेष इंतजाम किए गए थे, विशेष विमान के जरिए इन सभी भारतीयों को आज वतन वापसी करवाई गई है। 212 संख्या बताई जा रही है जिन्हें विशेष विमान से आज दिल्ली लेकर आया गया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, जब दिल्ली पहुंचे ये लोग जो इसराइल में रह रहे थे और जंग के बीच जब वहां पर फंसे तो भारत सरकार की तरफ से इन्हें अब वतन वापसी कराई गई है। 212 की संख्या, और कुछ दिनों तक ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा जिसमें जो वहां फंसे लोग हैं उन्हें वतन वापसी करवाई जाएगी। ऑपरेशन अजय इसराइल में करीब बताया जा रहा है कि 18,000 जो भारतीय हैं वो रहते हैं, और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था भारत सरकार की तरफ से कि जिन्हें अपनी वतन वापसी करनी है, भारत वापस आना है, वो इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और फिर आगे का जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत होगी। वतन वापसी इन लोगों की करवाई जाएगी। इसराइल में फंसे हुए लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अपनी टीवी स्क्रीन पर भी आप ये नंबर देख सकते हैं जो भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कॉन्टैक्ट करके आप वतन वापसी कर सकते हैं। और मेघा उपाध्याय इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देंगी। मेघा, पहला जो विशेष विमान है वो पहुंच चुका है इसराइल में फंसे भारतीयों को लेकर। क्या कुछ कहना है इन लोगों का जो वतन वापसी कर चुके हैं, और अब कितने दिनों तक ये ऑपरेशन चलेगा, कितनी पारियों में जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें लेकर आया जाएगा भारत? जी आयुषी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 212 भारतीयों के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट है वो लैंड कर चुकी है 5:54 पर, लेकिन अभी भी जो भारतीय नागरिक है वो बाहर आना शुरू नहीं हुए, उनसे हमारी बातचीत अभी नहीं हो पाई है। हालांकि हम यहाँ पर कंटिन्यूअसली बने हैं, जैसे ही वो बाहर आते हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। बस कुछ देर का वो इंतजार और है जब वो तमाम भारतीय गाड़ी जब फंसे हुए थे वो लौट कर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 18,000 भारतीय अभी भी गाड़ी में फंसे हुए जिनको ऑपरेशन अजय के तहत लाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर आज एक फ्लाइट है, और लगातार जब तक भारतीय जो आना चाहते हैं इसराइल, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जितने भारतीय वापस इसराइल से अपने वतन लौटना चाहते हैं सबको सुरक्षित यहाँ पर लेकर आया जाएगा। तमाम इस तरह की ऑपरेशन हमने पहले भी भारत सरकार की ओर से देखे, जैसे यूक्रेन के टाइम में भी आपने देखा होगा फंसे हुए बच्चों को भारत लाया गया था। ठीक उसी तरीके से इसराइल और पैलेस्टाइन में जो युद्ध चल रहा है उसमें जितने भी भारतीय वापस हैं उनको लगातार यहाँ पर लाया जा रहा है। आज जो बताया जाता है वो एयर इंडिया की फ्लाइट 1140 जिसमें तकरीबन 212 भारतीय आ रहे हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से, और वहाँ इसराइल एम्बेसी से भी काफी सहयोग मिल रहा है। हालांकि भारत की ओर से कहा जा रहा है कि हर वो एक भारतीय जो लौटना चाहता है वतन और जिसने खुद को रजिस्टर कराया है उस हर एक भारतीय को यहाँ पर वापस भारत लाया जाएगा। अब कुछ और सेकंड का मैं जैसा देख पा रही हूँ यहाँ पर लोगों का आना शुरुआत, लोगों के आने की शुरुआत हो चुकी है। बस कुछ और मिनट है जब हम बिल्कुल यहाँ पर देख पाएंगे, उनसे बातचीत कर पाएंगे। हम लगातार इसी न्यूज पर अपने दर्शकों को
पल पल से अपडेट देंगे कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर क्या क्या झेला और वतन वापसी पर इस तरीके के युद्ध के हालात के बाद जब अपने वतन लौटते हैं तो क्या फीलिंग होती है आपकी, किस तरीके के आपके एहसास होते हैं। हर एक सवाल का जवाब जो इस वक्त हर भारतीय जानना चाहता है उन लोगों से जो वहाँ पर फंसे थे, जो वहाँ पर जंग की हालात में किस तरीके से गुजर रहे थे, हर एक सवाल का जवाब बस हम कुछ देर में और लेने वाले हैं। बस 5 मिनट का इंतजार और है और आयुषी सर आपसे भी सभी सवालों का जवाब देंगे और सारे सवाल का जवाब अपने जो भी लॉर्ड रन से लेंगे। जी आयुषी जी, मेगा अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि एक दिन में कितनी पारियां जो है उसकी शुरुआत होगी, कितनी पारियों में जो वहां फंसे लोग हैं उन्हें लाया जाएगा, या सिर्फ एक ही पारी की अभी से शुरुआत की है? हाँ, अभी फिलहाल एक पारी है, लेकिन लगातार इस तरीके से जिस तरीके से ये जो आज पहले भारतीय की फ्लाइट आ रही है सक्सेसफुल के बाद, जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 18,000 भारतीयों के फंसे होने की सूचना इस बार अभी तक मिल पाई है, तो ऐसे में उन 18,000 लोगों को सुरक्षित लाना बड़ी जिम्मेदारी है। ये पहली पारी है, यानी कि कहा जाए तो इस ऑपरेशन का शुभारंभ पहली फ्लाइट जो है ऑलरेडी 11 मार्च 5:54 पे लैंड कर चुकी है हमारे भारत में। ऐसे में जब तक वो 18,000 नागरिक नहीं आ जाते, दिन में कई पारियों के साथ, एक दिन में 5 या 6 फ्लाइट के साथ उनको वहां से सुरक्षित लाया जाएगा। लेकिन इस फ्लाइट का महत्व इसलिए सबसे ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये सबसे पहली फ्लाइट है जो उनको लेकर, तकरीबन 212 भारतीय बताए जा रहे हैं अंदर, उनको लेकर लैंड की है। तो जाहिर सी बात है इस फ्लाइट के बाद जिस तरीके से की सेफ्टी को देखते हुए जितना सक्सेसफुल होगा उस तरीके से तमाम 18,000 भारतीयों को लाया जाएगा कई पारियों में। जी मेघा, क्या सरकार की तरफ से भी कोई इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है जो लोग पहुंचे हैं उन्हें रिसीव करने के लिए? हाँ जी हाँ, यहाँ पर आला अधिकारी हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त इस बात का खुलासा नहीं किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से कौन कौन से लोग पहुंचे हैं। लेकिन जैसा हम देख पा रहे हैं केरला एम्बेसी की तरफ से और मलयालम एम्बेसी की तरफ से कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे तो है और साथ में सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पर हैं। मेघा लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ऑपरेशन अजय जिसकी शुरुआत हो गई है, 212 लोगों को यानी कि 212 भारतीयों को इसराइल से वापस वतन वापसी कराई गई है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही भारतीय हैं जिन्होंने वतन वापसी की है। आप देखिए फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, 212 इनकी संख्या बताई जा रही है क्योंकि करीब 18,000 संख्या बताई जा रही है जो लोग इसराइल में फंसे हुए हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको जानकारी भी दी कि कुछ दिनों पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से एक जानकारी साझा की गई जिसमें कहा गया कि जो भारतीय वापस आना चाहते हैं इसराइल से वो वापस आ सकते हैं, उनके लिए विशेष ऑपरेशन चलाया जाएगा, ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन अजय उसकी शुरुआत की जाएगी और उसकी शुरुआत हो गई है। आज पहली पारी में 212 लोगों को वतन वापसी कराई गई है और धीरे धीरे यह अभियान और तेजी पकड़ेगा, ऑपरेशन और तेजी पकड़ेगा। पहली पारी में 212 लोग और जैसे कि मेघा ने बताया कि आगे और पारी जो है वो संभव मानी जा रही है जिसमें और जो लोग हैं उन्हें वतन वापसी करवाई जाएगी, लेकिन पहली पारी में 212 लोगों को वतन वापसी करवाई गई है। पहला जो ये विमान है विशेष विमान ये एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और 212 लोग इसमें पहुंच चुके हैं, बातचीत करने की उनसे भी कोशिश करेंगे क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में जब वहां पर जंग जारी है लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, गुहार लगा रहे थे कि वतन वापसी को करवाना चाहते हैं। इस बीच ये बड़ा ऑपरेशन भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया और मेघा हमारे साथ इस वक्त सीधा लाइव भी जुड़ी है, तस्वीरें भी देखेंगे। मेघा क्या तस्वीरें, क्या जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, बाहर आना शुरुआत हो चुकी है, क्या तस्वीरें देख पा रही हैं, क्या बातचीत करने की भी अभी कोशिश हुई है उनसे जो लोग वापस लौटे हैं? अभी से बस कुछ मिनट और इंतजार है और तमाम वो जो लोग हैं जो भारत लौटे हैं वो यहाँ पर निकलेंगे, जाहिर तौर पर कोई बातचीत तो नहीं है, वो यहाँ पर निकलेंगे अभी उनसे जाहिर तौर पर कोई बातचीत तो नहीं हो पाई है क्योंकि वो अभी यहाँ पर आए ही नहीं है। 5:54 का वो समय है जब फ्लाइट इंडिया लैंड कर चुकी है लेकिन अभी उनके आने का शुरुआत नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि 10 मिनट का वक्त और लगेगा जब तमाम वो वतन लौटे भारतीय जो 212 भारतीय जो फ्लाइट में बताए जा रहे हैं वो यहाँ से निकलेंगे। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वहाँ माहौल था, किस तरीके से वतन लौटने पर उनको खुशी हो रही है क्योंकि जाहिर तौर पर जो जंग के हालात थे, जितनी मुश्किल हालातों से वो लौट कर आए हैं वो अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगे। कुछ दिनों पहले हमने देखा था बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भारूचा भी वहाँ से लौटी थी, और उन्होंने भी बताया था कि वतन लौटने पर कैसा लग रहा है। 18,000 भारतीयों के फंसे होने की बात कही जा रही है, उन 18,000 भारतीयों में
विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर यह कहा है कि हर वो एक भारतीय जो वतन लौटना चाहता है, जो चाहता है कि वो अपने वतन वापसी करे, उसको ससुरक्षित लाया जाएगा। और अभी ये जो फ्लाइट है ये पहली फ्लाइट है। कहते हैं कि हर एक किसी चीज़ का शुभारंभ होता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पहली फ्लाइट शुभारंभ है जो 212 भारतीयों को लेकर लौट रही है। उसके बाद और भी फ्लाइटें हर उस भारतीय को लेकर लौटेगी जो वापस वतन लौटना चाहता हो। 18,000 लोगों की फंसे होने की बात कही जा रही है और आज ज़्यादातर लोग मलयालम और केरल से हैं, तो ऐसे में वहाँ के एम्बेसी के लोग भी आपको इस वक्त तस्वीरों में खैर वो लोग भी नज़र आ जाएंगे, तो ऐसे में वो भी अपने लोगों को लेने के लिए लौटे हैं। आप देखिए आपको यहाँ पे सुरक्षा भी नज़र आएगा, आम दिन के मुकाबले एयरपोर्ट पे ऐसे भी सुरक्षा होती है लेकिन आम दिन के मुकाबले आज यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और सबसे खुशी उन लोगों के लिए है जिनके परिजन लौट रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर इंतज़ार करते लोग आपको लाइन में लग के अपने परिजनों का इंतज़ार करते हुए लोग नज़र आएंगे कि इतने वक्त बाद वो अपने उन लोगों को देख पाएंगे जो फंसे थे, जिनके लौटने की उम्मीद तक नहीं थी, पता नहीं था कि वो सुरक्षित इस तरीके से जंग के हालात से लौट पाएंगे कि नहीं। तो जाहिर तौर पर उनके परिवार वालों के लिए बेहद खुशी का माहौल है। ऐसे हालात से लौट कर आना जहाँ पर ज़िंदगी पल पल के लिए मोहताज हो, जहाँ पर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त इंतज़ार उन लोगों का आना है, उन लोगों के आने का है जो लैंड तो 5:54 में कर चुके हैं लेकिन बस कुछ पल में यहाँ पर पहुँचेंगे और हम हर सवाल उनसे लेंगे। जी आयुषी, बिल्कुल मेघा, अभी और क्या जानकारी साझा की गई है सरकार की तरफ से? अभी 212 लोगों को लेकर आया गया है, अगला जो विमान होगा वो कितने भारतीयों को वापस लेकर आएगा, क्या इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए आयुषी, साफ तौर पे ये सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इस तरीके जनरली नहीं की जाती। सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया है जो बेहद ज़रूरी और बड़ी बात है कि वो 18,000 भारतीय जो फंसे हैं इसराइल में, हर वो भारतीय जो लौटना चाहता है उसको सुरक्षित लाया जाएगा। साफ तौर पर इस बात को मेंशन किया गया है कि जो लौटना चाहता है उसको लाया जाएगा, यानी कि अगर आप फंसे हैं इसराइल में और आप लौटना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सुरक्षित लाया। आज के लिए केवल एक ही फ्लाइट है, इसके सिवा किसी फ्लाइट का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ऑपरेशन अजय के तहत और भी फ्लाइटें लाई जाएंगी जिसमें तमाम जो भारतीय फंसे हैं और जिनको लौटने की चाहत है उनको लेकर लौटा जाएगा। देखिए हमने पहले भी देखा था यूक्रेन के युद्ध के समय में कि किस तरीके से भारतीय बच्चों को सुरक्षित लाया गया था और क्या उनके अनुभव थे, किस तरीके से उन्होंने भारत का शुक्रिया किया था, यहाँ पर होने को लेकर बेहद खुशी जताई थी। देखिए पल पल हमारी नज़र बनी हुई है, हर एक इंसान जो यहाँ से आ रहा है हम उस पर नज़र बनाए रखें कि कोई भी एक पल होगा जब तमाम भारतीय यहाँ से निकलना शुरू करेंगे। इस वक्त यहाँ पर नहीं नज़र आ रही उनकी तस्वीरें लेकिन यहाँ पर तमाम आपको लोग नज़र आएंगे जो, और साथ में हम भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में आज ये पहली फ्लाइट है, इस फ्लाइट के साथ के माध्यम से और भी वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, भारतीयों को रेस्क्यू किया जाएगा और अपने वतन में सुरक्षित लाया जाएगा। जी आयुषी जी, मेगा और क्या जानकारी है, कितने जो लोग हैं वो अभी भी इजराइल में फंसे हुए हैं, कितनी संख्या है उनकी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल आयुषी, मैं आपको बता भी रही हूँ कि तकरीबन 18,000 लोगों के फंसे होने की बात है, ये वो आंकड़ा है जिन्होंने खुद को रजिस्टर कराया है या फिर जिसकी जानकारी है। हालांकि इस वक्त कहा जा रहा है कि केवल 18,000 लोग हैं और 18,000 लोगों को सुरक्षित लाने की कोशिश, ये वो अलग बात है जो लौटना नहीं चाहता, जो इसराइल में महफूज महसूस कर रहा है या फिर जिसको नहीं लौटना है वो अलग बात है, लेकिन 18,000 भारतीयों को लाने की बात कही जा रही है, 18,000 भारतीयों के इसराइल में फंसे होने की बात कही जा रही है। ऐसे में जब तक सभी लोग जो लौटना चाहते हैं वो सुरक्षित ना लौट जाएं तब तक ये ऑपरेशन और ये सिलसिला इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इसी तरीके से सरकार उनको वापस लाने का काम करेगी। लैंड होते इस वक्त की जानकारी के अनुसार मैं आपको फिर से अपडेट दे दूं कि 5:54 का वो समय था, 5:54 का वो समय था जब फ्लाइट 1140 एयर इंडिया की फ्लाइट है वो भारत के सरजमीन पर लैंड कर चुकी है। इसराइल से वो फ्लाइट चली थी और यहाँ पर भारतीय, देखिए बहुत बड़ी संख्या है, वो भी एक ऐसे जगह से इन लोगों को सुरक्षित लेकर आना जहाँ पर माहौल इतना ज़्यादा खराब हो, युद्ध का माहौल हो, तक हर एक पल इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए सफ़र कर रहा हो, ऐसे जगह से 212 लोगों को निकाल के लेकर अपने शहर अपने देश वापस आना, जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर भी ये खुशी हमको देखने को मिलेगी। और कई सवाल हैं जिसके जवाब हम सभी को चाहिए, हमारे दर्शकों को चाहिए, उनके अनुभव और भारत लौट कर उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि यहाँ पर कदम रखने के बाद
साथ उन्हें कोई खतरा नहीं, वो बिल्कुल सुरक्षित हो। तो ऐसे कई सवाल जिसको जानने की जिज्ञासा आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी और हमारे तमाम दर्शकों के अंदर, ये सभी सवाल हम बस लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये गेट नंबर 5 है टर्मिनल 3 का, और बताया जा रहा है कि वो इसी गेट से बस अब कुछ देर में निकलेंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं आयुष, उम्मीद है कि जल्द इसी चैनल के माध्यम से, एबीपी की न्यूज़ के माध्यम से, हम आपको उनके साथ लाइव लेकर आएंगे और हम उनसे बिल्कुल सामने सामने बात करेंगे और सवाल है वो सवाल लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इजराइल और हमास की जंग के बीच में भारतीयों को वापस लेकर पहुंचा है विशेष विमान, और देखिए किस तरीके से वहां पर इंतजाम किए गए हैं एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। वहां पर राजीव चंद्रशेखर खुद मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। आप देखिए ये वही लोग हैं जो इजराइल में फंसे हुए थे और भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन अजय के तहत इनकी वतन वापसी करवाई गई है। 212 इनकी संख्या बताई जा रही है और आप देखिए सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, उन्हें रिसीव किया जा रहा है। 212 इनकी संख्या बताई जा रही है और जिस तरीके से ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई है, क्योंकि इसराइल में 18,000 की लगभग जो भारतीय थे वो रह रहे थे और इस मुश्किल घड़ी में कई जो भारतीय थे वो लगातार गुहार लगा रहे थे वतन वापसी की, और इसलिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई है। और देखिए शुभारंभ हुआ है, 212 जो लोग हैं उन्हें लेकर जो विशेष विमान है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा है और उनको रिसीव करने के लिए देखिए केंद्रीय मंत्री इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया था जिस पर संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर वतन वापसी जो इसराइल में फंसे हुए भारतीय हैं वो कर सकते हैं, और इसीलिए 212 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और उनकी वतन वापसी हुई है। लगातार जो ये सिलसिला है ये जारी रहेगा। जिस तरीके से मेघा भी वहां पर हमारी सहयोगी मौजूद है और जानकारी दे रही थी, मेगा देख रहे हैं हम सिलसिला शुरू हो गया है, जो लोग थे जो अभी लैंड हुए हैं इसराइल से उनके बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और क्या तस्वीरें देख पा रही हैं आप मौके पर? हम जैसे आयुषी में आपको तमाम पल पल के अपडेट दे रहे हैं, इस वक्त भी तस्वीरें कुछ वैसी ही है, मतलब जो भारतीयों का इंतजार कर रहे हैं। खुद केंद्रीय मंत्री अंदर पहुंचे हैं, वो वहां पर तमाम डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल दोज पीपल इन इजराइल हु हैव बीन ड्रैग्ड इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इनोसेंट पीपल। एज यू नो टुडे इज द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ऑपरेशन विजय एंड दिस इज कम्प्लीटली इन कीपिंग विद आवर प्राइम मिनिस्टर्स विजन, प्राइम मिनिस्टर्स डिटर्मिनेशन दैट आवर गवर्नमेंट, हिज गवर्नमेंट विल नेवर लीव एनी इंडियन बिहाइंड। Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely. And I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. And I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight, for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. Sir, any message for the those who are there and they want to come back? Any message from the Indian? No, stay calm, stay calm, be in touch with the embassy there. Because the government of India will certainly make all the efforts that are necessary to bring you back home safe and to reunite you with your families. This is something that our government has done repeatedly, will always do. Every time that an Indian finds himself in harm's way, our government will step up and do whatever is necessary. इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग से जुड़ी, इसराइल में भारत का ऑपरेशन अजय की शुरुआत हो गई है। 212 भारतीयों को वतन वापसी आज कराई गई है पहले विमान के जरिए, और देखिए केंद्रीय मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, क्योंकि लगातार जो वहां फंसे लोग थे वो भारत आना चाह रहे थे, वतन वापसी करना चाह रहे थे, और इस बीच ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई है और पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों को वतन वापसी करवाई गई है।
तकरीबन 18,000 लोग इस वक्त इसराइल में फंसे हुए हैं, जिनमें से 212 लोगों को वतन वापसी करवाई गई है। और जैसा कि भारत सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई थी, ये कहा गया था कि जो भी व्यक्ति, जो भी भारतीय वतन वापसी करना चाहता है, वो इन नंबर पर मदद लेकर वतन वापसी कर सकता है। और लगातार आगे भी जो भारतीय लोग हैं उन्हें वापस लाने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन पहला जो विमान था, विशेष विमान, उसमें 212 जो लोग हैं उन्हें वतन वापसी करवाई गई है। राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री को आप देख सकते हैं, खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। जो भारतीय वापस लौटे हैं उन्हें रिसीव किया गया और आप देखिए किस तरीके से उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। क्या वहां पर हालात है, कैसे वहां पर जो भारतीय लोग हैं वो रह रहे हैं, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और ये भी बताया कि भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस मुश्किल घड़ी में जो भारतीय लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द उन्हें वापस अपने भारत यानी कि अपने देश वापस लाया जाए। तो ये पहला जो विशेष विमान था उससे 212 लोगों को वतन वापसी करवाई गई है। और आगे भी ये जो अभियान है, ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन अजय, इसी तरीके से जारी रहेगा जब तक जो वहाँ फंसे लोग हैं, जो भारत वापस आना चाहते हैं, जब तक उन्हें वतन वापसी नहीं करवाई जाती है, तब तक जो ये ऑपरेशन है भारत सरकार का, ये ऐसे ही जारी रहेगा। डॉक्टर एस जयशंकर सर एंड हिज टीम, स्पेशली इन तेल अविव द एम्बेसी, they work tremendously, very nice over there, 24/7, and we really very grateful to be this type of government in India. Okay. Hi, myself Dr. Manoj Kumar. I'm working there as a postdoctoral fellow with, and I live with my family, my wife Swati Patel, and daughter. How old is she? She is 4 years. So. First of all, I would like to thank Indian Embassy over there in Tel Aviv. They support every time for their citizens in Israel. At this situation, they support us very well. And once we got to know that they are going to evacuate us, they started a portal. We registered at night, 12 o'clock. In the morning, they confirmed that yes, today you have flight, you can fly to India. And this process was very excellent, and we are here. So how do you look at the initiative taken by the government of Operation Ajay, which was launched very quickly? Quickly, and this is very excellent. I think this operation is very excellent and successful. All we came here, and we are very happy to come back to India. So yes, and also the Israel government is doing very good job. Their IDF. Israeli Defense Forces, they are doing. तो ये वही लोग हैं जिन्होंने वतन वापसी की है। एक्सपीरियंस आपने सुना, सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जो इनिशिएटिव लिया गया है ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को वापस लाने का, उसकी भी तारीफ करते हुए नजर आए जो लोग वापस लौटे हैं। और मेघा भी लगातार वहां से लाइव हमारे साथ बनी हुई है। मेघा, लोगों को हमने सुना जो वतन वापसी कर चुके हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खुशी साफ तौर पर चेहरे पर दिखाई दे रही है, और भारत सरकार का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं ये ऑपरेशन चलाने के लिए, वतन वापसी करवाने के लिए। जी जाहिर सी बात है आयुषी, आप एक ऐसी जगह से लौट कर आए हैं जहां पर आपको ये भी नहीं पता कि आपको अगले पल का खाना मिलेगा, और खाना पानी जो छोड़िए आपको ये नहीं पता कि आप सुरक्षित हैं या नहीं। लगातार जिस तरीके से हम लोग की खबरें हम देख रहे हैं, लगातार जिस तरीके से लोगों की जाने जा रही, ऐसे में सुरक्षित वापस अपने वतन लौट आने से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि हम अभी बिल्कुल यहाँ पर आपको लोगों से बातचीत करते हुए दिखाएंगे। आपने अभी भी लोगों को सुना, खुद यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पहुँचे हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, और जितने भी 18,000 भारतीय वहाँ, सरकार ने वादा किया है, ये कहा है कि वो सभी को सुरक्षित लेकर आएंगे। देखिए, इन सब में सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि अब तक किसी भी भारतीयों को अब तक वहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा है। हालांकि गाजा पट्टी और वेस्टलैंड है, वहाँ पर कई भारतीयों के फंसे होने की बात कही जा रही है। तो इस वक्त हम यहाँ खड़े होकर अपने भारत में, अपनी सरजमीं पर खड़े होकर यकीनन इस बात को सोच भी नहीं सकते कि आप एक ऐसे माहौल में हो जहाँ जंग हो रहा हो, जहाँ लगातार गोले बारूद गिर रहे हों, जहाँ आप बच पर
पल पल जिंदगी के लिए कहीं छुपते फिर रहे हो, और ऐसे में जब आप लौट आते हैं अपने देश अपने वतन, तो उससे ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आपने अभी जस्ट सुना उन भारतीयों को, और हम भी बस इंतज़ार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो बस अब लगेज लेकर आ रहे हैं, जो अंदर से हमें सूत्रों के मुताबिक खबरें मिल रही है उसके मुताबिक। आयुषी, ना आपको ना हमें ना हमारे दर्शकों को अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ पल और यानी कि कुछ मिनटों की बात है। हमने लंबा इंतज़ार किया है, उनके परिजनों ने लंबा इंतज़ार किया, परिजन भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उन लोगों से बातचीत करेंगे जो लौट आए हैं। देखिए, भारत सरकार की काबिलियत का इस वक्त मतलब लोहा मानना पड़ेगा, तारीफ करना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने यूक्रेन के वॉर के समय देखा था, जहाँ तमाम देश अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने को लेकर तमाम कोशिश कर रही थी, स्टूडेंट्स फंसे वापस वहां पर भारत ले आए। तो उसी तरीके से ऑपरेशन अजय के तहत कई फ्लाइट जाएंगी, ये केवल पहली फ्लाइट है, इस बात पे हम ध्यान दें। ऐसे में जो लोग लौट आए हैं उनके लिए जाहिर तौर पर बहुत खुशी की बात है, लेकिन जो अभी भी फंसे हैं, जो अभी भी न्यूज के माध्यम से अपडेट हो रहे हैं, या फिर बता दिया जाए कि एक हेल्प नंबर गया है जिसके माध्यम से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और अगली फ्लाइट में शायद आप अपने वतन सुरक्षित लौट पाएं। तो सरकार तमाम अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि भारतीयों जो भारतीय जो फंसे हैं उनको लाया जाए। अब तक यही अच्छी बात है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और हम यही दुआ करेंगे कि सारे भारतीय जो लौटना चाहते हैं वो सुरक्षित लौट आएँ, किसी को कोई नुकसान ना हो, और जो माहौल है उससे अपने वतन में लौटना जाहिर तौर पर खुशी की बात है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊँ तो आप समझेंगे आयुषी, कि यहाँ पर तीन गेट है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये गेट नंबर 5 है, ठीक आप उसके पहले नहीं माफ कीजिएगा उसके बाद जो गेट और मेरी दूसरी तरफ ये गेट नंबर 4 है। तो ये तीन गेट है जिस पर लगातार हमारी नजरें बनी है, क्योंकि कहा जा रहा है ये तीन वो गेट है जहां से उनके निकलने की संभावना है। और जैसा मैंने बताया, वो इस वक्त लगेज ले रहे हैं, जो हमारे अंदर सूत्र मौजूद है उससे जो हमें पता चल रहा है। तो किसी भी मिनट किसी भी पल हम वो इंतजार हमारा खत्म होगा, उनसे उनका अनुभव। तीन हमारी नजरें बनी हुई है, सहयोगी भी यहाँ पर हम लगातार देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस गेट से वो निकलते हैं, और वो जैसे निकलते हैं हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर आपको उनसे बातचीत कराएं, उनके अनुभव साझा कराएं, और वो वतन लौटकर कैसा महसूस कर रहे हैं वो हम इस वक्त जो है खुशी अपने शब्दों में बयान कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ रहकर, हम जो भारतीय यहाँ पर है वो रहकर महसूस कर सकते हैं कि अपने देश में सुरक्षित रहना कैसा होता है। आपने कुछ दिनों पहले नुसरत भरूचा को भी सुना, जब वो लौट आई अपने वतन वापस, उन्होंने भारत सरकार और इजरायली एम्बेसी की भी तारीफ की, अदा कहा। तो ऐसे में वो तमाम लोग जो लौटे हैं उनकी खुशी, उनकी फीलिंग्स यकीनन हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो हम बस उनका इंतजार करते हैं, वो जब आते हैं तो बातचीत होगी उनसे। जी आयुषी, मेगा एयर इंडिया की फ्लाइट से इन लोगों को वापस लाया जा रहा है, और जैसे कि विदेश मंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि अगर आने वाले समय में और भी जरूरत होगी तो सेना के विमानों की भी मदद ली जा सकती है। अभी ऐसी कितनी फ्लाइट्स हैं जिनका इंतजाम भारत सरकार की तरफ से किया गया, ऐसे कितने विमान हैं जिनका इंतजाम किया गया है इन लोगों को वापस लाने के लिए? मैं आपको जानकारी देती हूँ इस वक्त, कुछ एक सेकेंड देखिए आयुषी, यहाँ पर कुछ लोग हैं में जाएंगी, बात करने की कोशिश करेंगे, हम उधर जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से बात करना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, आप देख पाएंगे तस्वीरों में, ये उनके परिजन हैं जो भारत अपने लोगों को, अपने परिजनों को लेने के लिए लौटे हैं, और यहाँ पर तमाम ऐसे परिजन। तो ऑपरेशन अजय के तहत 212 भारतीयों की आज इसराइल से वतन वापसी करवाई गई है, और 212 लोग जो है आज वतन वापसी कर चुके हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, जहां पर कुछ देर पहले जो लोग थे वो पहुंच चुके हैं, और खुद केंद्रीय मंत्री उनको रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। जंग के हालात लगातार दिखे बढ़ते जा रहे हैं, कब ये जंग खत्म होगी इसके बारे में किसी को नहीं पता है, लेकिन हर संभव कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर इस मुश्किल घड़ी में लोग फंसे हुए हैं कैसे भी करके उन्हें उनकी वतन वापसी करवाई जाए। आप देखिए चार तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो भारतीय हैं उन्हें वापस लाया जा रहा है, और मेगा उपाध्याय लगातार लाइव हमारे साथ वहां पर जुड़ी हुई हैं। मेगा, क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें फिलहाल मौके से देख पा रही हैं आप? जी हाँ देखिए ये लोग लौट गए हैं, माफ कीजिएगा, बाहर निकल गए। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। I just came back from Israel now. Yeah. So how are you feeling back? You are finally back to your country. Yeah, I'm feeling good, but at the same moment I'm feeling sad also because I have my Israeli family there. So with
part of Israel you were there? I am there in central Israel. How are you feeling now? Are you feeling safe after you coming back to country? Yes, for sure. In India, I'm feeling much better and safe, yes. So what was the situation there? Can you tell us what was the situation there? Well, I cannot comment much about the situation because we don't know what is happening. How many of your friends and how many people are still stuck there? Oh, there are lots of people. तो देखिए अब यहाँ पर हमने एक से बातचीत की है, हालांकि वो जिस तरीके से बता रहे हैं हम आपको बताते हैं, उन्होंने बताया कि वो बहुत खुश महसूस, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भारत लौटकर। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि लोगों का जो लौटे हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि वो भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भारत लौट पाए हैं सुरक्षित। वो वहाँ बेहद डरे हुए थे लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि यहाँ पर अपनी सरजमीं पर वो सुरक्षित। वो इसराइल में फंसे हुए थे, एक इलाका था वहाँ पर थे, और अब भारत लौटने के बाद ऐसा लग रहा हो कि सुरक्षित है, लेकिन अभी भी कुछ और लोग हैं जिनका इंतज़ार यहाँ पर हम कर रहे हैं। जैसे ही वो लौटते हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पल पल की अपडेट यहाँ पर देंगे। इससे पहले हमने एक परिजन से भी बात किया, उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की कि किस तरीके से अपनी भतीजी के लौटने पर वो खुश हैं। वो लगातार उससे संपर्क में हालांकि थे लेकिन जाहिर जब उनकी तो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान और आंखों में आंसू लिए। जी आयुषी, बिल्कुल मेगा, अभी तक और कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि 212 लोग तो लौट गए हैं, और जैसा कि जिस शख्स से आप बात कर रहे थे जो वापस लौटा है, जैसा कि वो बता रहे थे कि अभी भी बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं जो वापस लौटना चाहते हैं अपने देश, तो कब तक दूसरी पारी शुरू होगी, कब तक उन्हें वापस लाया जाएगा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी? जी आयुषी, जाहिर तौर पर देखिए 18,000 लोगों के फंसे होने की बात है। मैं दोबारा ये आंकड़ा बता दूं क्योंकि ये आंकड़ा सुनने में आपको 18,000 कम लगेगा, पर ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ऐसे इलाके में फंसे रहने के लिए जहां पर युद्ध का माहौल हो, जहां पल पल के लिए ज़िंदगी मोहताज हो। तो ऐसे में वो लोगों को लौटने को लेकर भारत सरकार ने यही कहा है, एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, इसका भी जिक्र बार बार अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं ताकि उन लोगों तक सूचना पहुँचे जो इस वक्त अपने देश में हैं और अपने परिजनों से संपर्क में हैं, बता सके। तो ऐसे में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसके माध्यम से आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं और अपने वतन लौट सकते हैं। हालांकि ये पहला है, आइए हम किसी और से बात करते हैं, यहाँ पर आ जाइए। क्या वहाँ पे सिचुएशन था, कैसा था और यहाँ वापस भारत आ? देखिए एक और यहाँ पर है, इनसे भी बातचीत करते हैं। बस आपको लेने के लिए यहाँ पे कोई आया है फैमिली की तरफ से, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा था? मेरी फैमिली यहीं पे है, दिल्ली में ही। अच्छा, आप कहाँ पर फंसी थी और कितने सारे लोग हैं आपके? आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, भारत लौटकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसे, क्या आप वहाँ पर डरी थी? नहीं, सायरन होता था पर डे, लाइक 1 or 2 बजते थे। हाँ, PhD स्टूडेंट। नहीं, वहाँ पे शेल्टर्स हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डरा हुआ है कुछ है, तो सायरन बजता है तो टाइम होता है, लाइक 30-40 सेकंड्स होते हैं। ये खुशी साफ तौर पर चेहरे पर देखी जा सकती है, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वतन वापसी करके, और बहुत सारे लोग हैं अभी भी फंसे हुए, उन्हें भी वापस लाया जाएगा ऑपरेशन अजय के तहत। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।